यहाँ पर मौजूद مشرف حسين شاه على المهر المعين المؤجل المعلوم قبلت النكاح والتزويج ہماری طرف سے مبارک ہو ان کے والدین کو بھی مبارک ہو جو بڑا حاضرین جو یہاں تشریف فرما ہے سعید موقع ان سب حضرات کو مبارک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں دوبارہ سے آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہوئے جو خدمت میں بھی شال کی صورت میں احمد جعفری پونچھ کی جانب سے حقیقت نظرانہ پیش کیا جائے گا تو میں گزارش کروں گا پریزیڈنٹ یا یہاں جو ہمارے علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں جہاں پر تمام ہمارے موذی باقی جو آج کے خاص مہمان ہیں ہمارے بچے بچیاں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے पिछली बार भी जब मैं यहाँ आया था तो इस किस्म के कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। यकीनन बिजनेस होने के बावजूद भी हमारा जो फर्ज बनता है कि समाज के जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके साथ बैठे उनकी बात सुने और उनके जो भी कार्यक्रम हों उनमें पार्टिसिपेट करें। जो मिनिमम हम लोग कर सकते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन मिनिमम एटलीस्ट हमने इतनी कर्टसी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए कि हम उनके हर एक कार्यक्रम में जो भी शुभ कार्यक्रम हो जिससे समाज को एक अच्छी दिशा मिलती हो उसमें हमें शिरकत करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हमें भी खुशी होती है, पिछली बार जो पार्टिसिपेट किया उससे हमें ये एक एहसास भी हुआ कि आप लोग कैसा काम कर रहे हैं। और इस बार दोबारा मुझे जो है आपके बीच में आने का मौका मिला उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने दूसरी बार मुझे मौका दिया, जहाँ आने का न्योता दिया और हमें एक किस्मत से जो है अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके बीच में आए और इन बच्चों की शादियों में आकर हम जो है हिस्सा ले सके। तो यकीनन जो परिवार जो है जिनको इकोनॉमिक तंगी होती होगी उनके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन इसको एक और बड़ा स्वरूप देने में, बड़ा एंगल देने में, बड़ी इसको बड़ी बात बनाने में जो लोग वेल ऑफ हैं अगर उनको भी आप कन्विंस कर दें, वो भी अपने बच्चों बच्चियों की शादियां, चाहे वो एक इंडिकेटिव ये सिग्निफिकेंटली ही जैसे होता है ना एक सिर्फ एक सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए वो अगर करेंगे तो फिर इसको जो है मेरा ये मानना है कि इसको और भी जो है वो ऊंचाई मिलेगी। और जो हम मैसेज बनाना चाहते हैं कि हम ये शादियाँ क्यों करवा रहे हैं, वो मैसेज और तेजी से फैलेगा, उसका और ज्यादा जो विजन है बराड़ होगा। तो तरफ हमें रागब करता है उसकी तरफ हमें ये जो आपने आज शादियों का प्रोग्राम रखा है उसकी तरफ हमें रोशनास भी करता है। दिन ब दिन समाजी बुराइयां बढ़ रही हैं और हमारे अगर दीन में देखा जाए तो शादी फर्ज है, कुछ लोग सुन्नत मानते हैं लेकिन फर्ज है। और मियां बीवी का रिश्ता जो है ये सबसे पहला रिश्ता है, तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काज है। हमारे सीनियर अफसर भी आना चाहते थे क्योंकि एसएसपी साहब छुट्टी पर हैं और एडिशनल साहब कहीं एक सियासी पे चल रहा है उस सिलसिले में बिजी हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारी भी कल से भी हाजिरी दें और शुक्रिया अदा करें। तो मैं इसलिए अपनी तरफ से उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस की जब भी कभी आपको जरूरत महसूस हो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं।
وجبت النكاح والتزويج لموكلي على المهر المعلوم. أنكحت موكلك موكلتي على المهر. وجبت النكاح لموكلي على من موكلك هذا على تلك لموكلك هذا. जिंदा करके तो वाकई ही वो चीज जो 1400 साल से लाइन और जीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अलैहा। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी इस सुन्नत से एराज़ करेगा वो मुझसे नहीं है, यानी मेरी उम्मत में से नहीं है। ये जो तकरीब सईद इज्तमाई शादियों की आप ये देख रहे हैं, ये हमारे भाई गुजरात से आए हुए शबीर अशारिया साहब और उनके साथ अली रज़ा नकवी साहब और ये अंजमन जाफरिया पुंछ की वसादत से यहाँ पर इज्तमाई शादियों का प्रोग्राम रखते हैं। और ये इज्तमाई शादियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि जो इस वक्त माशरे और समाज के अंदर ये फजूल ख़र्ची और इसराफ़ के उनवान से जो वबा आ गई है, जिसकी वजह से माशरे और सोसाइटी के अंदर वाकई देखा जाए कि बहुत सी शादियां ताखिर से होती हैं। वजह ये होती है कि उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने वो बच्चियों की शादियां करवा सकें, इसलिए इज्तमाई शादियां रख करके ये दुनिया वालों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे कि इस्लाम ने, कुरान पाक ने, अल्लाह ने और अल्लाह की तरफ से आए हुए नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शादी के ख़ासकर इस प्रोग्राम को इंतहाई इख्तसार और सादगी के साथ अंजाम देने का हुक्म दिया था, लेकिन आज समाज और माशरा इसे बहुत इसराफ की सूरत में और फजूल ख़र्ची की सूरत में इसे अंजाम देता है कि जिसकी वजह से होकर के माशरे के अंदर बहुत बड़ी वबा आ चुकी है। हम ये चाहते हैं कि ये शादियां इंतहाई इख्तसार के साथ हों, ये सिर्फ जो है फ़कीर और गरीब लोगों के लिए नहीं है बल्कि इसमें अमीर तबका भी शमूलियत हासिल कर सकता है। और किसी एक फ़िरके के लिए भी नहीं है कि सिर्फ अहले तशरी हज़रात के लिए हम यहाँ पर रखते हैं, शिया हज़रात के लिए नहीं, बल्कि इसमें हमारे बरदरान अहल सुन्नत भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज भी दो जोड़े जो है अहल सुन्नत बरदरी से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है कि जिनकी इज़दवाजी यहाँ पर जो है वो भी तकरीब होगी। और ये मैसेज यहाँ तक नहीं कि सिर्फ मुसलमानों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि दीगर बरादरियाँ भी जो है अहले, यानी हिंदू अफराद भी आ सकते हैं इसमें, हिंदू मसलक वाले, मज़हब वाले भी आ सकते हैं, दीन वाले भी आ सकते हैं और भी जैसे दीगर अफराद भी जो है इसमें शमूलियत कर सकते हैं, ताकि हमारे समाज के अंदर से जो एक दूसरे से दूरी है वो ख़त्म हो जाए और ये जो शादी का मामला है ये इंतहाई मुख्तसर हो, ताकि हर इंसान इस वाजिब को जो अपनी गर्दन के ऊपर आसानी के साथ अंजाम दे सके। बस मैं आखिर में आप तमाम हजरात को मुबारक भी देते हुए और ये मैसेज यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि अंजमन जाफरिया पुंछ की तरफ से एक इज्तमाई निकाह खानी की तकरीब का यहाँ इनकाद किया गया, जिसमें 14 जो है वो खुशनसीब जोड़े शादी के बंधन में बंधे और इज्तमाई तौर पर ये एक बहुत अच्छा सादा तकरीब थी, जिसमें जितनी भी ये शादी से जुड़ी जितनी भी रस्में हैं जिनकी वजह से शादी में डिले होता है और समाजी कई तरह की बुराइयां पैदा होती हैं उनको बलाए ताक रखते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज से सादा तकरीब के हवाले से यहाँ पर ये जो 14 जोड़ों को जो है एक निकाह के बंधन में बांधा गया, और ताकि ये आप आइंदा जो अपनी जो है अज़्दवाजी ज़िंदगी है वो खुश सलूबी से अंजाम दें। मैं मुंतज़मीन अंजमन जाफरिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करते रहेंगे, ताकि ये इस तरह की और जो ये मैसेज है ये समाज में नीचे तक जाए और सब लोग सादा तरीके से शादी करने की तरफ आमादा या पुंछ के अंदर अंजुमनिया जाफरिया की
निगरानी में और गुजरात के हमारे जो ग्रुप की तरफ से यहाँ हर साल शादियों का समूह विवाहित का इंतज़ाम हो रहा है और माशाल्लाह ये बार 14 शादी हुई और उसमें बड़ी बात तो है कि 2 सुन्नी मसलक के लोग की भी शादी हुई। हमारे गुजरात के अंदर कोई फिरके की कैद नहीं है। गुजरात में हम शिया सुन्नी कोई मसलक की शादी करती है। अरे शिया सुन्नी की तो बात एक बाजू है लेकिन हम पूरे हिंदू मुस्लिम की भी शादी करते हैं। तो हमारा एक मैसेज हम ऐसा देना चाह रहे हैं कि शादी जो इस्लाम के तरीके से हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उस हिसाब से हो और सादाई से शादी हो, वो हमारा मकसद रहता है। शादी के अंदर फजूल खर्ची न हो, वो हमारा मकसद रहता है। हम कश्मीर में भी शादी अभी करके आए, वहाँ हमने 76 शादी की। हमारे साथ मेरे साथ भावनगर से आए हुए हमारे मुरब्बी शब्बीर भाई आसारिया साहब है, वो भी मेरे साथ है। हम दोनों गांव-गांव में घूम के हम घर घर देख के हम उनकी पोजीशन देखते हैं। और श्रीनगर में जो हमारा पूरा काम वहाँ संभालते हैं वो शब्बीर साहब है, शब्बीर मीर साहब, वो प्रिंसिपल भी है और वहाँ जो अच्छी तरह से वो इसमें इनका ताउन करते हैं। तो बस हमारा मकसद यही है कि हम समूह शादी इस्लामी तरीके से करें, सादाई से करें और दहेज का जो जो रीत रिवाज है उससे हम बाहर रहे। सर कितने जोड़ों की शादी जो है यहाँ पे की? यहाँ हमने 14 की, इसमें 12 शिया लोग थे और 2 सुन्नी लोग थे। और कश्मीर में हमने 76 लोग दूल्हा दुल्हन को इसमें जोड़ा। और यहाँ का इंतज़ाम जो नजम जाफरी साहब संभालते हैं और दूसरे भी अंजुमन के जो जाफरिया के प्रेसिडेंट है वो इंतज़ार सोफी साहब, वो भी इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम सब मिलके ये काम पूरे गुजरात में तो हम करते ही है लेकिन हम कश्मीर में लास्ट 8-10 साल से मार रहे हैं और माशाल्लाह काम कर रहे हैं।